मैथमेटिक्स। हम लोग बात करने वाले थे किसकी? हम लोग बात करने वाले थे अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला की बात करने वाले थे। देखो हाइपर बहुत है बंदा, हाइपर क्यों, मैं तुम्हें समझाऊंगा हाइपर क्यों है। हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय, इंसान कब हाइपर होता है? जब बोरिया आ जाता है। इंसान कब हाइपर होता है? जब बोरिया आ जाता है। बोरियाने का मतलब ये हुआ कि हर छोटी छोटी बातों में उखड़ना, तो कहीं हाइपर होगी, हाइपर होगी, कहीं ज्यादा हाइपर ना हो हमसे। यहां पे वही चीज होता है, दो कुछ इस टाइप से, यार थोड़ा सा इंक डाल लूं फिर मजा आएगा पढ़ाने में, जब तक इंक नहीं होता तब मजा नहीं आता है ना। दो कोण ले लो उसमें और कुछ ऐसे काटो कि दोनों कोण एक साथ कटे, ऐसे काटो कि दोनों कोण एक साथ कटे। तो जब बनाओगे ना, जो आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी? अगर तुमने कोई दो कोण ले लिया और इस प्लेन के साथ ऐसे काटो, ध्यान समझ लो मेरी बात को। जैसे तुमने दो कोण ले लिया, एक पहला कोण ये ले लिया तुमने, ये तुम्हारा पहला कोण, बर्थडे वाली टोपी देखा ना सब लोगों ने, वो एक बर्थडे वाली टोपी ये, एक बर्थडे वाली टोपी ये ले लिया तुमने, ये छोटा बड़ा हो गया, लेकिन दोनों तुम बराबर लो और एक समतल की सहायता से, एक प्लेन की सहायता से उसको कट करो। प्लेन मिला, समझ पा रहे हो ना? आरी वारी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आरी से काटो, कोई दिक्कत नहीं, कट डाउन। ये एक्चुअल में गोल था बेटा, गोल था, गोल की चीज को अगर तुम सीधे काट दो, जैसे कोई मुझे गोल लाओ, कोई चीज गोल करके लाओ, तो को मेरे पास खुद पड़ा होगा, मैं इसी को गोल कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ, क्या दिक्कत। मान लीजिए इसको हमने ऐसे एक गोल तरीके में छुपो से ऐसे यहाँ बनाया, ठीक है, और तुम्हें लग रहा होगा समता से काटेंगे कैसे बनेगा, मैं तुम्हें सीधे काट के दिखाता हूँ। देखो मैं एकदम पहले सीधे काटता हूँ, इसको ऐसा किया, इसको ऐसे फोल्ड किया मैंने, तो मैं इसको काट दूंगा। बना कैसा? ये थोड़ा काटने में गलती हो गई, बनेगा कैसा? क्लियर नहीं हुआ? एकदम सर्कुलर बन जाएगा ना ऐसे। और जब तुम इसको एकदम सिंपल ऐसे काटोगे समतल के, एकदम सीधा ऐसे काटा होगा मैंने, जब मैंने इसको ऐसे काटा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा? एकदम ऐसे फिगर बढ़ गया काटने में, देखो यहाँ नोक निकल आया, एकदम ऐसे काटा मैंने। जब ऐसे काटा तो आकृति देखो कैसे बन गई, ये काटने थोड़ी यहां गलती हो गई, आकृति देखो कैसे बनी, बनी कुछ नहीं बनी, आकृति बनी ऐसे कुछ, ये आकृति। जब मैं इसको काट रहा हूं ऐसे ही, ये इधर वाला कोण कटा, ऐसे नीचे वाला कोण भी कटा, दोनों सेम ऐसे कटे, तो आकृतियां कैसे बनेंगी? तो आकृतियां सिंपल सी यहां पे ऐसे बन जाएंगी, एक ऊपर ऐसे देख रहा हो, दिख रहा होगा आपको ऐसे, एक नीचे ऐसे। जब इनको ऐसे ऐसे बनाओगे, ऊपर वाला ऐसे बनाओगे, ये देखो आकृति ऐसे बनाया नहीं बनाया मैंने, और नीचे भी ऐसे बनाओगे, ये देखो बना दिया, बीच में स्पेस है, वो देखो स्पेस आ गया, ये क्या कहलाएगा? यही हाइपरबोला है। क्या है ये? हाइपरबोला, हाइपर हो चुका। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो पहले ये तो समझ लिया कि हाँ ये आया कहां से है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉनिक सेक्शन। किसके अंतर्गत? कॉनिक सेक्शन, मतलब जब मैं एक शंकु को काटता हूं तब मुझे ये सब मिलते हैं, बस काटने के ढंग पर सब निर्भर करते हैं कहां से आए हैं। इसलिए सब जितने भी लेक्चर हो रहे हैं बेटा, पहली बात तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत जा रहे हैं, क्योंकि आकृति की बात की जा रही है तो 2D सिस्टम के अंतर्गत जा रहे हैं, सारी 2D सिस्टम है ना। फिर उसके बाद क्योंकि स्फीयर नहीं है, ये सब सर्कुलर, ये सब जितने हाइपरबोले सब 2D है, स्फीयर, और जब मैं इनकी बात करूंगा सिलेंडर वगैरह, तो ये सब कहां पहुंच जाएंगे? तब 3D में पहुंच जाऊंगा मैं। कहां पे? 3D में। ये एक टाइप का जो आकृति बन रही है उस पर बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, जो आकृतियां बन रही वो कैसी है? 2D है। तो ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है। किसके? तो देखो लेक्चर में मैंने पहले डाल दिया होगा, उसमें था कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने डाला कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंतर्गत हम लोग पहले चीजें पढ़े, स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन। देखा होगा हमने ऐसे ही सेम लिख रखा उसमें ना, ताकि चीजें बच्चे समझें, ठीक है। थंबनेल में भी बहुत सारी चीजें समझने लायक होती है, अगर समझो तो समझ में आएगा, हम फर्जी चीजें लिखते नहीं है ना। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत इतना सब सीखा, फिर मैंने डाला कोऑर्डिनेट में, फिर यहां पे डाल दिया था मैंने कॉनिक सेक्शन लिख दिया,
कॉनिक सेक्शन। फिर जितने भी लेक्चर बन रहे हैं सब कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत गए, लेकिन हाँ किसके अंतर्गत? कोऑर्डिनेट के अंतर्गत है। कोऑर्डिनेट के अंतर्गत क्या आ गया? कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत जाएगा तुम्हारा कौन? इसके अंदर गया सर्कल गया, फिर इसके अंदर कौन गया बेटा? इसके अंदर तुम्हारा पैराबोला गया, फिर तुम्हारा कौन गया? इलिप्स गया। अब हम लोग हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। इस सारे लेक्चर किसके अंतर्गत हैं? कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत हैं। समझ में नहीं ये बात बताओ, आ गई? अब कॉनिक सेक्शन में सर्किल बहुत अच्छे से क्लियर किया हमने, पैराबोला भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हमने, इलिप्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, बहुत सारे फॉर्मूले देखे हम लोगों ने। जैसे तुमने इलिप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, सेम एज कॉन्सेप्ट लग जाता है हाइपरबोले का, सेम एज कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन कितना होता है, तो अगर हाइपरबोला जनरल इक्वेशन की बात किया जाए, एक फॉर्मूला सीट दे दो मुझे, तो फॉर्मूला सीट से हम तुम लोग को आगे क्लियर कराएं, ठीक है? फॉर्मूले समझा देने तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, है ना? हाइपरबोला में मैंने आपको इसमें जैसे पैरा इलिप्स बताया था, वैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू कितना होता है? वन। कहानी समझ नहीं आई? देखा जाए तो किसकी तरह है पूरा सेम, ये पैराबोला की तरह, बस उसमें क्या था, सॉरी इलिप्स की तरह। इलिप्स में क्या था? यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ गए, जो चेंजेस आ गए वही हमें चेंजेस उसमें करने हैं। कुछ नाम का परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि नाम में क्या क्या परिवर्तन होगा वो अभी हम बताएंगे आपको। अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष को कहां कहां प्रक्षेपित करता है समझ लेते हैं, वाई अक्ष को कहां कहां प्रक्षेपित करता है ये समझ लेते हैं। तो देखो एक्स अक्ष को कहां कहां प्रक्षेपित करता है ये। अगर एक्स अक्ष के कटान में निकालेंगे, सपोज कर लो मेरे पास इलिप्स कुछ इस टाइप से है, ये इलिप्स है ऐसे बना, आकृति उसकी कुछ ऐसे ही थी, शेप हमने दे दिया, शेप ऐसे बन गया। ये इनके क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। वाई में नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, मतलब वाई वाला, मतलब जितना भी चीजें वाई में होंगी वो सब इमेजिनरी में जाएंगे। कहां जाएंगे? इमेजिनरी में। कुछ वाई में दिख रहा है कैसे? नहीं दिख रहा ना, वाई में कुछ जाते हुए दिख रहा है? वाई का कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नजर आया? नहीं आया। मतलब अगर इंटरसेक्ट पॉइंट मानूंगा अभी तो क्या मानूंगा? सब इमेजिनरी हमारा होगा। क्या होगा? इमेजिनरी होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा इमेजिनरी कैसे होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम यही से सोचो, अगर x का कटान बिंदु निकालना है, मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है ऑन x एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे? तो y इक्वल टू जीरो। वो सारे पॉइंट जो x एक्सिस में होते हैं उनके लिए हमेशा y कोऑर्डिनेट बेटा क्या होता है? जीरो। हमेशा जो कोऑर्डिनेट 2D सिस्टम लिखा जाता है, x का y के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिनमें से ये x एक्सिस के पॉइंट होते हैं और ये होते हैं y एक्सिस के पॉइंट होते हैं, ये y एक्सिस के पॉइंट को लोकेट करते हैं और ये x एक्सिस के पॉइंट को लोकेट करते हैं। अगर हम x एक्सिस में चलेंगे तो y वाला हमेशा जीरो होगा, अगर हम y एक्सिस में चलेंगे तो उसके लिए x वाला हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी तो यहां पर। अगर हम y इक्वल टू जीरो रखेंगे, इसमें y इक्वल टू जीरो रखेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर x एक्सिस के पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, तो जीरो रखेंगे बेटा क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है? तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहां से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो मतलब ये चीजें हो गई प्लस में और ये हो गया किसमें? माइनस में। अगर पॉइंट लिख रहे हो तो प्लस ए का जीरो और माइनस ए का जीरो। डाउट बताओ, नहीं समझा क्या बात? ये पहला इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ, ये दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये माइनस हो, ये किसमें हो जाएगी? प्लस। क्लियर है? क्योंकि इधर का एक्स मेरा इसमें होता है, इधर का एक्स मेरा किसमें होता है? प्लस में होता है। यहां तक क्लियर हुआ या डाउट है? क्लियर ना बोलो भाई, क्लियर है? अब हमें बात करनी है वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में एक्चुअल में कहीं काट रहा है क्या? वाई एक्सिस में एक्चुअल में तो कहीं नहीं काट रहा है, ये वाई एक्सिस होता है, ये लाइन जो है वाई एक्सिस की लाइन है। तुम ये देखो y एक्सिस में कहीं ये जो फिगर आउट हुआ है मेरे पास, ये कहीं क्या इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? रियलिटी में कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मतलब जो निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा, पक्की बात है। कैसे पता चलेगा इमेजिनरी है रियलिटी है? तो हम यहां पे रखेंगे x इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें y एक्सिस का पॉइंट चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो रखा मैंने, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन,
माइनस उधर जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया माइनस का बी स्क्वायर, तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस आई बी, माइनस एक का वर्गमूल क्या होता है i और b स्क्वायर का क्या होगा b। आई वर्ड ये बता रहा है ये जितनी भी चीजें मिलेंगी वाई में क्या होंगी काल्पनिक होंगी, है ना, रियलिटी में नहीं होंगी। नहीं समझने का मेरी बात आ गई ना, देखो आई बन गया तो रियलिटी में काट भी कहां रहा है इसको, रियलिटी में काट रहा है क्या कहीं नहीं काट रहा, तो मतलब ये हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कल्पना है हमारी कि काट रहेगा तो कहां काटेगा कि यहां पे काटेगा। समझ में ना आया तो बताओ, समझ में ना आया तो बताओ बेटा, आ गया चलो ठीक है। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई है, क्या आ गई है इससे बात समझ में आ गई, अगर मैं इनकी डिस्टेंस बोलूं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं वर्टेक्स, क्या होते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होते हैं, इसको नाइन जो भी नाम देना ए ए डैश नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ए ए डैश ये वर्टेक्स होते हैं। अगर हम बात करें ए ए डैश कितना होगा मतलब वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बेटा ये ओरिजिन होता है ओ होता है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है ए, यहां से यहां तक की दूरी ए, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है ए। अगर टोटल दूरी बात करो तो अगर कोई लड़का यहां से यहां तक की दूरी चलता है यहां से यहां तक की दूरी चलता है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी ए और ए कितने 2a, ए और ए कितने 2a, दैट मींस यहां पे आ जाएगा 2a, ये क्या है वर्टेक्स के बीच की दूरी। पहली पॉइंट क्लियर कर लो, समझ में आया कि नहीं आया बता दो, आ गया y एक्सिस का कौन से पॉइंट पे काटता है प्लस माइनस आई बी पॉइंट पे काटेगा, इसका मतलब ये काल्पनिक होगी इमेजिनरी होगी, क्योंकि क्या लग गया उसमें i लग गया, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया विस्तार से, लिख लो इसको भी। सेंटर कहाँ होगा तो इसका जो इलिप्स का सेंटर होता है सेंटर वो कहाँ होता है जीरो कामा जीरो मतलब यहां होता है सेंटर, इसका कहाँ है बेटा यहां है, ठीक है इसका सेंटर यहां माना जाएगा, ना इधर ना मानो ना उधर मानोगे इधर मानोगे, और उसकी फोकस कहाँ होगा फोकस यहां होगा, ये पहला फोकस मान लो ये मान लो दूसरा फोकस ये पहला फोकस ये दूसरा फोकस, दो फोकस इसमें भी होंगे, फोकस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो फोकस की वैल्यू बेटा कितनी चलेगी प्लस माइनस ए कामा जीरो, तो इधर माइनस हो रहा है तो माइनस ए ई कामा जीरो। अच्छा इसमें मैं ई क्यों अब इसमें रख रहा हूं ध्यान देना, इतनी डिस्टेंस ए है इसे मल्टीप्लाई करूंगा छोटा होगा या बड़ा, अब इसमें जो ई होता है बेटा वो होता है ग्रेटर देन वन एक से बड़ा होता है, अब मैं जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा किसी एक से बड़े से वैल्यू से तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी, स्वाभाविक है, अगर कोई संख्या मान लो दो है और एक से बड़े मतलब तीन बटे दो से गुणा कर दोगे तो क्या होगा इसका मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा भाई तीन हो गया देखो, तो जो डिस्टेंस मिल जाती है ये डिस्टेंस जो ओरिजिन से मिल जाती है ये डिस्टेंस किसकी होती है ये नाभ की दूरी होती है ओरिजिन से, फोकस डिस्टेंस जिसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, वो कितनी होती है ए ई, डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो क्या बन जाता है माइनस ए ई, तो यहां तक ए होता है यहां से यहां तक, देखो ध्यान से यहां तक क्या होता है ए होता है, ये टोटल क्या हो गया ए ई हो गया, क्लियर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया ये क्या होता है फोकल और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ए ई माइनस ए होगा, नहीं समझे क्या बात, ये हो गया, इसी टाइप से तुम उधर भी निकाल सकते हो, तो उधर भी निकालोगे यही चीज करोगे, क्लियर होगा, डिस्टेंस तो यही आएगा बेटा, और अगर हम निकालना चाहें किसकी किसके बीच की डिस्टेंस, मान लो इधर माइनस के इधर क्या होगा बेटा प्लस का ए का मान जीरो, तो हम ये निकालें कि एस और एस डैश के बीच की दूरी मतलब नाभियों के बीच की दूरी, इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं इन द सेंस बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंस फोकल्स, ये फोकस तुम लोग बोल सकते हो ना फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो यहां से लेकर समझो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए ई, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए ई, तो ए ई प्लस ए ई, ए ई प्लस ए ई भाई दो हो गए ना, यहां से यहां तक गए फिर यहां से यहां तक गए, तो ए ई ए ई कितने हो गए कितने ए ई हो गए एक ये एक ये कितने दो, तो बोलेंगे टू ए ई, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन
फोकस, वो कितना हो जाएगा तो 2AE हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? ऐसे नहीं ड्यूएबल लग रहा है, कोई दिक्कत हो रही बताओ। देखो उसमें भी यही फॉर्मले थे लेकिन उसमें नजरिया अलग था, फॉर्मले वही है, करोगे क्वेश्चन भी वैसे ही लगेंगे जैसे क्वेश्चन उसमें लगे थे, सेम एज क्वेश्चन इसमें भी लगेंगे, लेकिन नजरिया दोनों का चेंज देखो तो नजरिया दोनों का चेंज है ना, बहुत चेंज है। अगर यहां पर अब हम खींचते हैं क्या, अगर यहां पर खींचते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स तो यहां आएंगी, डायरेक्ट्रिक्स तो यहां आएंगी, ये बनेंगे तुम्हारे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया सभी को? यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो बताओ, क्लियर हो गया? चीजें बहुत ही सिंपल है लेकिन टाइम देना पड़ेगा तब मजा आएगा। अगर हम बात करें आपसे ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं तो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है, तो आप यहां पे जान लो अनुप्रस्थ अक्ष किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को ही अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एक्स अक्ष को ही अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं। ये जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, इसे ही बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल एक्सिस, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ। अच्छा, और इसकी जो लेंथ होती है तुम खुद सोच लो इसकी लेंथ कितनी होती है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होती है इसकी, यहां से लेकर इस वर्टे से लेकर इस वर्टे तक की लेंथ होती है, कितनी लेंथ हो जाएगी जरा बताओ, 2a। कितना हो जाएगा? 2a भाई, a इतना और a इतना कितना हो जाएगा? 2a। देखो लिख तो दिया मैंने 2a, और साथ ही तुम इसमें ये सेंस लगाओ, इन द सेंस ये भी सेंस लगा सकते हो बेटा, इसमें एकदम फिक्स सेंस लग रहा है, एक तो ये लग गया ठीक है। अगर हम बात करें इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस या इक्वेशन ऑफ किसका, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो क्या बताओगे? तो ये x एक्सिस है और x एक्सिस का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, क्या होता है बेटा, y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन बन जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव तो चल रहे हैं तुम्हारे, दिक्कत ना लो, क्वेश्चन लगाने में कॉन्सेप्ट है ये सारे। कांजुगेट एक्सिस किसे बोलते हैं, कांजुगेट, कांजुगेट उसी को बोलेंगे बेटा जिसमें साइन का भी चेंजेस होता हो टाइम टाइम के साथ, है ना, जिसमें हम कॉन्जुगेट करें तो साइन चेंज होता हो, नहीं तो बाकी रियल है ना, रियल में साइन चेंज नहीं होता कॉन्जुगेट करने पर, तो वो एक ही हो पाएगा वाई एक्सिस में, कहाँ हो पाएगा वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, एक्सिस को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, हिंदी में संयुग्मी अक्ष। वाई एक्स क्या कहलाता है, संयुग्मी अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगा, ठीक, दोनों याद रखो। तो इसको वाई एच को, मतलब वाई एच को हम क्या नाम देते हैं, वाई एच को बोलते हैं संयुग्मी अक्ष, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, लंबाई 2b, लंबाई 2b याद रखो, जैसे उसमें होता है लंबाई की बात करो तो कितनी होगी 2b, अक्ष की बात करो सॉरी समीकरण की बात करो तो x इक्वल टू क्या होगा जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, उसी तरह सेम चल रहा है जैसे उसमें था वैसे इसमें, बस चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से इसमें। अगर नेताएं बात करें, नेताएं यानी डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है ए में ये चीज कम हो रहा है, तो अगर मैं ई से डिवाइड कराऊंगा क्योंकि ई एक से बड़ा है तो चीजें वैल्यू छोटी आएगी बड़ी आएगी, ए से छोटी आएगी, तो मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा बेटा याद रखो ओरिजिन से ये होगा ए अपॉन ई, कितना होगा ए अपॉन ई, ए अपॉन ई, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये क्या बनेगा द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लिखते जाना पॉइंट वाइज है ना, याद रखोगे द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन लगाने बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फिगर पे मतलब भंडार, हमने बोला ना भंडार होता है, धीरे 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 जाओ फिर हम एक एक क्वेश्चन समझाते जाएंगे समझ आ जाएगा।
x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e होता है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना चाहो, जिसको बोलते हैं नेताओं के बीच की दूरी, या ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, क्या होगी? तो इतनी है a अपॉन e और इतनी भी a अपॉन e, टोटल कितनी हो जाएगी 2a अपॉन e, तो हो जाएगा नेताओं के बीच की दूरी कितना 2a अपॉन e, ये भी लिख लो। नाभिलंब जीवा, ये नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा ये नाभिलंब की लंबाई जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम, वो कितना होता है बेटा? तो हमेशा की तरह पहले की तरह 2b स्क्वायर अपॉन a, यही तो हो रहा था, जो a ग्रेटर देन b वाला फॉर्मूले थे वही सब लगेंगे लगभग। उसमें देखो प्लस माइनस ए का मैं जीरो लिखवाया था, इसमें भी देखो वही आया, उसमें देखो उसमें था लघु अक्ष की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई, वो देखो x अक्ष में इतनी लंबाई थी y अक्ष में इतनी लंबाई थी, सेम आई नहीं आया, उसमें था यही, उसमें भी था डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला, यही उसमें भी था डायरेक्ट्रिक्स वाला, उसमें भी देख लो प्लस माइनस ए अपॉन ए ही रहा, इसमें भी यही है, बस इतना याद रखना इसमें जो e है वो ग्रेटर देन वन है, उसमें क्या था लेस देन वन था, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको क्या बोलते हैं नाभिलंब की लंबाई, यानी कि लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक, डाउट तो नहीं किसी को बेटा? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, दिमाग में एकदम अच्छे से। और याद रखो नाभिलंब का जो समीकरण होता है, समीकरण यानी इक्वेशन, वो याद रखो वो होता है x इक्वल टू ए ई, क्या होता है x इक्वल टू ए, कैसे पता चला? ध्यान से देखो नाभिलंब कहाँ होगा, नाभ पर डाला गया लंब होगा तो ऐसे ही होगा ना, ये कौन सी रेखा जरा बता दो मुझे, ये x इक्वल टू ए ई की तो रेखा होगी क्योंकि ए ई पॉइंट पे खींचा जा रहा है, तो ये तो कहलाएगा नाभिलंब, कॉमन सेंस लग रहा है क्या? नाभिलंब खींचोगे कहाँ खींचोगे, नाभि पर, ये खींच दिया हमने, ये नाभिलंब कहलाएगा, ये लाइन ही नाभिलंब कहलाएगी, इसकी रेखा क्या होगी x बराबर ए ई, इधर होगी माइनस का, इधर होगी क्या प्लस का, दोनों बात करो तो प्लस माइनस हो जाएगा। न समझ में बोलो आ गया, एकदम मान लो कि एकदम हिस्ट्री है पूरी तरीके से, एक बना लो उसमें एकदम गहराई से, चलते चले जाओ चलते चले जाओ चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहते हैं, यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे कहते हैं जिसमें बेटा a इक्वल टू b हो जाए, इसी क्वेश्चन में क्या हो जाए a इक्वल टू b, अगर a इक्वल टू b होता है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, यानी कि समकोणिक अतिपरवलय। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलेंगे जब a इक्वल टू क्या हो जाए b हो जाए, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, किसका इक्वेशन है तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये ओनली हाइपरबोला नहीं बोलोगे, ऑप्शन में हाइपरबोला भी होगा, ऑप्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होगा, शर्त यह है कि आप कौन सा लगाओगे, तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लगाएंगे, नहीं समझ बताओ आ गया, और कोई डाउट बताओ? ठीक है खुश। अच्छा ई का मान का फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं था, उसमें क्या था अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब क्योंकि e का मान उसमें एक से छोटा था, इसमें एक से बड़ा, इसमें क्या लगा देंगे प्लस, अब बड़ा हो गया नहीं हो गया क्या, अब पहले घटा रहे थे छोटा हो रहा था, जोड़ देंगे बड़ा हो जाएगा, तो e का मान याद रखो अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बिल्कुल याद रखो, या फिर ऐसा याद रखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने बताया है उसकी e का मान कितना आएगा, क्योंकि a बराबर उसमें b है ना, तो इसमें e का मान कितना आएगा रूट टू, फिक्स है a का मान चेंज ही नहीं होगा, e बराबर कितना आएगा रूट टू, क्यों, क्योंकि a बराबर b है, और जैसे तुम इसमें a बराबर b रखोगे बेटा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, इसको बोलते हैं रूट टू, कहानी क्लियर होगी नहीं हो गई? अगर हम तुमसे पूछे कांजुकेट हाइपरबोला, कांजुकेट हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस में चला जाए, वाई एक्सिस वाला एक्स एक्सिस में, एक्सचेंज कर दो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में, मतलब इसको घुमा दो, ऐसा तुम ऐसा बोल सकते हो इसको घुमा दिया जाए, तो जो नया बनेगा
फिगर, मतलब फिगर आउट ऐसा जो बनेगा, ऐसा फिगर आउट, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इसको बोलेंगे कंजुगेट हाइपरबोला। जिसमें से एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में बदल दिया जाए, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में बदल दिया, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये चीजें होती है। चलो बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कल कराया जाए, आज फॉर्मले बताओ, आज फॉर्मले खाली क्वेश्चन भी करा दें सर, करा दिया जाए कुछ कि कल कल एक मता नहीं मिल रहा है मुझे ना, आज या कल। तो ऐसा कर सकते हो कि बुक तो सबके पास आई है, आई थिंक बुक है, तो आप लोग ऐसा करो कि फॉर्मले मैंने सारे बताए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया, सपोज कर लो जैसे हमने तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू हमने तुम्हें दे दिया 1। तो पहला काम क्या करोगे आप? पहला काम है आपका कंपेरिजन करना। इससे कंपेरिजन कर लोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1। कंपेयर करो जरा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब मान लो ई का मान मुझसे पूछ रहा है, ई मतलब ये, अब इसका मान वालों से पूछ रहा है तो सूत्र में रख दो, कितना आसान होता है। देखो ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो बेटा 4, और अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो बेटा, सॉरी 9 था क्या, लो 9 लिख लो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, रख दो, तेरा गुणा कर दो क्या आएगा? नहीं समझ के बात, ये आंसर जो है एक से बड़ा या छोटा है? जय इस बात क्या है, एक से बड़ा है। तो हम लोग कई तरीके से पहचान सकते हैं कौन सा इक्वेशन है। एक से बड़ा मान किसमें होता है? हाइपरबोला में होता है। एक से छोटा मान किसमें होता है? एलिप्स में होता है। एक के इक्वल किसमें होता है? पैराबोला में होता है। एक ई इक्वल टू 0 किसमें होता है? सर्कल में होता है। कहानी क्लियर हुई नहीं? ये सारे फंडे होते हैं इसमें। और कोई डाउट? तो क्वेश्चन ऐसे, अब इसी में मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे फोकस बताओ, तो फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस मतलब प्लस माइनस ए ई कामा 0, तो प्लस माइनस बेटा ए स्क्वायर बराबर 4, ए बराबर कितना आएगा 2, बी बराबर कितना आएगा 3, चलो रखो ए का मान, रखो ए का मान कितना आया 2, ई का मान कितना आया 2। बताओ कहीं दिक्कत आई हो तो कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत? सबको इजी लगाना ही है। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले, इसमें इसी में पूछ ले कि बेटा डायरेक्ट्रिस बताओ, क्या बताओ? डायरेक्ट्रिस। अब डायरेक्ट्रिस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e, खाली सूत्र रट लो बस बेटा, वो तो रटना ही पड़ेगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट को पूरे दिमाग में रखने पड़ेंगे तुम्हें। तो प्लस माइनस a की वैल्यू बोलो खाली 2, e की वैल्यू बोलो बेटा रूट 13 बटे 2, तो रख देंगे रूट 13 और बटे 2 पर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और बटे कितना रूट 13 हो जाएगा। नहीं समझे क्या बात? आ गई, सोचो कितने आसान क्वेश्चन है। अब इसी में क्वेश्चन घुमा दे और तुमसे बोल दे कि इन दोनों डिस्टेंस बताओ बीच की, तुमसे पूछ ले कि वर्टेक्स बताओ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्सेस बोल दे, अब कुछ भी बोले तुम आराम से बता सकते हो, खाली फॉर्मूले में रखो आंसर, फॉर्मूले में रखो आंसर। एक तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि इक्वेशन दिया जाए तो ये सब तुमसे पूछेगा, एक क्या होगा ये सब दिया जाएगा इक्वेशन तुमसे पूछेगा, दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, इक्वेशन से ये निकालना और इससे इक्वेशन निकालना, और दोनों ही तुम्हें आने चाहिए। तो आज लगता है होमवर्क तुम्हें आई थिंक परफेक्ट मिल चुका है, पहले फॉर्मूले सारे याद करने, अब एक दिन चाहे सारा पढ़ा दे तो बैठ के तुम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करें और फिर एक बढ़िया उठाया हर हर बम्बे वाला डंडा जिसको बोलते हैं संझावन देवता। ये मैं सोच रहा है कंपटीशन है, चलेगा नहीं जब तक कद्दू कटेगा नहीं तो बटेगा कैसे? जिस रास्ते में संघर्ष नहीं है, जिस रास्ते में कष्ट नहीं है, उसमें फल का मिल जाना मतलब एकदम वही हो, तो वो तो वही कहानी बन जाएगी है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास होना बारह ना, काम वो करो जिसमें कुछ मजा आए, मजा तक डंडे नहीं चलेगी तब मजा नहीं आएगी, वो भी चलेगा है कि नहीं बेटा? पढ़ाई, अरे डंडे उसी को पढ़ेंगे जो सुना नहीं पाएगा, अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, हमें पता है सब लोग सुना ले जाओगे, लेकिन उम्मीद भी है कि सुना नहीं पाओगे, और मुझे पता है तुम मेरे उम्मीदों पे खरे उतरते हो आज तक नहीं उतरे हो, आगे भी उतरोगे ना।
आज के लिए इतनी कहानी रखा जाए बेटा, फिर हम लेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही ना।